स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है टेक डिजिटल। मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल। टेली के इस सेशन में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से आप टेली को जीएसटी के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यदि आप पहली बार टेली में जीएसटी यूज़ करना चाहते हैं तो आपको टेली में जीएसटी को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जीएसटी को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम टेली की गेटवे ऑफ टेली पर आएंगे। गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन पर इस समय हम पहली स्क्रीन जो आती है गेटवे ऑफ टेली की स्क्रीन पर है और यहाँ से आपको ऐप 11 ऐप 11 दबाना है। यहाँ पर आप ऐप 11 दबाएंगे और उसके बाद में ऐप 3 दबाएंगे। ऐप 11 और ऐप 3 प्रेस करने पर आपको स्टेचरी एंड टैक्सेशन की स्क्रीन नज़र आती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस समय हम स्टेचरी एंड टैक्सेशन की स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वह एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑल्टर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल के लिए है, तो यहाँ हम नो बाय डिफ़ॉल्ट नो है इसे हम यस कर देंगे। इसके बाद में सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में यहाँ आप यस करेंगे और देखिए यहाँ आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है स्टेट में। इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर, यदि आप रेगुलर स्कीम में है तो रेगुलर करेंगे या फिर कंपोजिशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ आपको तीसरा ऑप्शन जो मिलता है वह है जीएसटी आईएन यू आईएन। इसे मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जीएसटी आईएन ओब्लिक यू आईएन, इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यह आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो आपके बिजनेस को आपकी फर्म को प्रेजेंट करता है, आपके रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में देखिए एप्लीकेबल फॉर्म, कहाँ से आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है, तो 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में कुछ राज्यों को छोड़कर एप्लीकेबल होने जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आप एप्लीकेबल फॉर्म में 1 जुलाई 2017 यहाँ आप डालेंगे। इसके बाद में आपको सेट अल्टर जीएसटी रेट यहाँ आप इसे नो रहने दीजिए, बाद में देखेंगे। एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन यहाँ पे आप यस कर लीजिए और प्रोवाइड LUT बॉन्ड डिटेल, इसको भी आप नो रहने दीजिए और हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर कंट्रोल क्यू की सहायता से आप बाहर आ जाइए। तो इस प्रकार से आपको टेली को जीएसटी के लिए उपयोग में लेने से पहले आपको यहाँ कॉन्फ़िगर करना होता है ऐप 11 ऐप 3 प्रेस करके। तो इस प्रकार आप टेली को जीएसटी के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बाद के वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको टेली के स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं, उनको किस प्रकार से उन पे जीएसटी की दरें आपको लागू करनी है और परचेज और सेल्स की एंट्री किस प्रकार से करेंगे, वैट रिटर्न कैसे जीएसटी रिटर्न कैसे तैयार करेंगे, सभी जानकारियां अगले वीडियोस में आपको दी जाएगी। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी टेली के संबंध में, जीएसटी के संबंध में लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।